तो जी मैं रिक्रिएट कर रही हूँ ब्रांडेड आउटफिट वो भी दोबारा से पिछली बार आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टिकटॉक का और आप लोगों का बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा शुक्रिया तो ये है वो ब्रांडेड आउटफिट जिसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किए जाए तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते तो मैंने सोचा कि मैं इसको लो बजट में बनाती हूँ जिससे मैंने पिछला ड्रेस बनाया था तो खैर मैं सबसे पहले आई बाजार मैंने वेलवेट का कपड़ा बाय किया और लेसिस बाय करी और मुझे मतलब सिल्वर काम करना था इस बार क्योंकि मैंने पहले गोल्डन काम किया था मतलब गोल्डन एम्ब्रॉयडरी गोल्डन लेसिस वगैरह लगाई थी तो अब मैंने सोचा कि मैं इस पर सिल्वर वर्क करूँ और ये है सी ग्रीन पहले था डार्क ब्लू कलर और अब है सी ग्रीन तो पहले मैंने ये किसी से स्टिच करवाया था और अब मैं करने जा रही हूँ खुद स्टिच ताकि मुझे भी पता चले कि स्टिच करने में कैसा होता है कितने एफर्ट्स लगती हैं और आप यकीन मानो मेरी कोई इतनी एफर्ट्स लगी हैं मैं सलाम करती हूँ उन लड़कियों को उन औरतों को जो घर में बैठे बैठे स्टिच करती हैं कपड़े तो उन लड़कियों को जो घर पे बैठ कर स्टिच करती हैं बहुत मेहनत का काम है यार बहुत बहुत पेनफुल काम है ये यार। यानी आप एक जगह पर बैठे रहो और मतलब आपका जो बैक बैक पे जो पेन होता है ना वो बहुत सही वाला होता है तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नेग स्टिच कर रही थी जो कि बहुत ज़रूरी होता है कपड़े बनाने के लिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में अल्लाह हाफिज़ सिलाई करना बहुत बहुत मुश्किल काम है मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ उन औरतों को जो घर पे बैठ के सिलाई करती है मेरा सलाम है आप लोगों को बहुत 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 मेहनत वाला काम है तो यहाँ पे मैं बीट्स लेने आई थी और ये मेरे को इन्होंने ग्लू दी जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त थी मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं लगेगी मतलब इससे हट जाएगा ये वो लेकिन भाई ये बहुत ज़बरदस्त ग्लू है अभी मेरा काम बाकी है ये जो मैंने बीट्स लगाए हैं ये अभी पूरे नहीं हुए क्योंकि मुझे बीच बीच में भी लगाना है क्योंकि इसे अच्छे नहीं लग रहे थे फिर मेरे काम किया आस्तीनों पे आस्तीन कोई भाई आप लोग देखो इतनी कोई प्यारी लग रही है तो मिलती हूं नेक्स्ट पार्ट में अल्लाह हाफिज तो आज मेरा काम हुआ खत्म और मेरे ड्रेस हुआ फाइनल सॉरी मेरी मामा का क्योंकि मैंने अपने मामा के लिए बनाया था कि उनको खुशी हो उनको प्राउड फील हो मुझ पर तो आज फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा दूँगी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई फ़ाइनल लुक दिखा दें तो जी ये लें ड्रेस की फाइनल लुक जो कि मैंने अपने हाथों से तैयार किया मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिचिंग करी लेकिन बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा मेरे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो गया बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्स्ट टाइम स्टिचिंग गई लेकिन मैंने तोबा कर दी कि मैं आइंदा स्टिचिंग नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा फेन हो गया लेकिन ड्रेस बहुत प्यारा सिला है बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया आप लोगों को कैसा लगे आप लोग मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा और आप लोग के जो पुराने कॉमेंट्स हैं उनके मैं एक वीडियो में सबके जवाब दे दूँगी फिक्र नहीं करें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारे कॉमेंट्स के आंसर दे दूँगी कितना ख़र्चा आया और क्या लगा है क्या नहीं कितना किस पे खर्चा है तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में हाफिज़